नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आज आपके लिए व्लॉग नथिया गली से। आज एक तो पर्सनल खुशी का दिन था, मेरा बेटा 18 साल का हो गया, तो उसकी खुशी शेयर करने के लिए उसके साथ आज नथिया गली का सफ़र दरपेश था, तो हमने सोचा कि आपको यहीं से मालूमात फराहम कर दें। नाज़रीन, आज भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो कहे हमारे यहाँ निगरान वज़ीर आज़म जो होते हैं या निगरान हुकूमतें भी अगर हों तो उनको भी बहुत शौक होता है कि वो ज़रा बैरून मुल्क सफ़र करें। पहली कोशिश हमेशा वज़ीर आज़म की दौरे अमरीका की होती है, दूसरी कोशिश सऊदी अरब और चाइना की होती है। तो इन तीन ममालिक का में से दो को वज़ीर आज़म दो में वज़ीर आज़म को जाने का मौका मिल रहा है। यानी जो अनवारुल काकर साहब हैं निगरान वज़ीर आज़म, वो अमरीका से सीधे लंदन पहुँचेंगे। लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद वो इतलात ये है कि मंगल के रोज़ सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करेंगे और सऊदी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उनके दौरे का मकसद जो बताया गया है हमारे ज़राए की जानिब से, पाकिस्तान और जो IMF के दरमियान जो एक डील चल रही है, उस डील में सऊदी अरब का किरदार अहम है। उस डील के हवाले से कुछ चीज़ें मजीद तय करना चाहता है पाकिस्तान, जबकि सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान में माइनिंग के शोबे में, IT के शोबे में, ख़ासतौर पर ज़राअत के शोबे में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वज़ीर आज़म इन उमूर पर उनसे बात करेंगे। जो हमने इस थोड़े अर्सा पहले, चंद हफ्तों पहले, शहबाज शरीफ हुकूमत के आखिरी वक्त में जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी, उस काउंसिल के हवाले से, फिर लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनाया गया है उसके हवाले से मामला तय पाएंगे। और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि सऊदी अरब करे, तो ये इस हवाले से एक अहम बातचीत होगी नाज़रीन। लेकिन उसके अलावा जो आज की जो दीगर अहम बातें हैं उनमें अगेन, चूंकि UNGA का सेशन चल रहा है, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मामला सामने अनफोल्ड हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये सिविल न्यूक्लियर डील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी न्यूक्लियर डील के तनाजुर में सऊदी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान से बहुत सारे डोमेन्स में तरबियत दरकार होती है, और वो तरबियत जो है वो पाकिस्तान नई फौज कर सकती है एयर डिफेंस के हवाले से। फिर सिविल न्यूक्लियर पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरब को बहुत सारी तरबियत फराहम कर सकता है। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों का, इसमें जो है वो इन मफादात को आगे बढ़ाने में फ़ायदा होता है। तो वो उस हवाले से ये इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो मशरिक़ वुस्ता में अमन की खातिर अमेरिका की जानिब से भी अब इसराइल पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो जो दो रियासती हल जिसकी बात इमरान खान हुकूमत के दौर में पाकिस्तान दफ्तर खारजा बाज़ाब्ता तौर पर करता था, आजकल पोजीशन हमारी ये है कि हम वो उस वक्त की पोजीशन ली गई थी, और फिर लेकिन उसमें पाकिस्तान फलस्तीन रियासत का क़याम चाहता है। वज़ीर खारजा ने भी अभी चंद रोज़ पहले जो खिताब किया था OIC में भी, और उससे पहले एक फोरम पर, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि एक वाइबल, इकोनॉमिकली वाइबल और इकट्ठी यानी मुत्तहिदा, इसलिए कि फलस्तीन वेस्ट बैंक में भी है और जो दीगर इलाके हैं फलस्तीन के, हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वो दोनों को मिलाया जाए, अल-क़ुद्स अल-शरीफ उसका दारुल हुकूमत हो। अमरीका ने भी अब फलस्तीन पर के मसले के हल के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना शुरू किया, और इसराइल पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइल जो है वो अमन की जानिब अगर बढ़ना चाहता है तो मसला फलस्तीन को उसे हल करना होगा। नाज़रीन, अब ज़रा आगे चलते हैं। ये खबर तो मंज़र-ए-आम पर आ ही चुकी, हम आपको वक्त की कमी के बायस पिछले दिनों में दे नहीं सके थे। सादिक संजानी साहब के भाई जो हैं वो, उनको Grade 22 का मकान अलॉट हुआ हुआ था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसका नोटिस दिया हुआ था। आज सादिक संजानी के भाई ने जो है वो माफ़ी मांग ली है इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर, और उन्होंने कहा मुझे तो ये इल्म ही नहीं था। बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी माफ़ी जो है वो अपनी जगह, लेकिन जो बुनियादी बात है नाज़रीन वो हमारे यहाँ जो हुकाम हैं वो कैसे एक्सप्लाइट करते हैं जब उनको इख्तदार मिलता है, ये बात जो है ना वो ये वाक़या जो है ये इस बात की बहुत ही बड़ी एग्जांपल है। लेकिन खैर, ये उन्हीं पर क्या, निगरान हुकूमतों के बारे में तो ये तस्वीर किया जाता है कि वो निगरान हुकूमतें जो है बस निगरान हुकूमतें आई हैं, इलेक्शन कराएंगी और चली जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि जब निगरान वज़रा आए
तो वज़रा फौरी तौर पर, एक तो पहले उनको इस बात में दिलचस्पी थी कि चाहे वो अपने घरों में भी रह रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन वो फौरी तौर पर मिस्टर एनक्लेव के घरों में शिफ्ट हों। एक वफाकी वजीर जो निगरान हैं, और अब तो खैर इलेक्शन कमीशन ऐलान भी कर चुका है, पीटीआई उसके खिलाफ अदालत में जाने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि पीटीआई ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वक्त के बजाय तारीख का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी भी यही समझती है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी रहनुमाओं ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन अब जब इलेक्शन हो चुके हैं, ऐलान हो चुका है कि इलेक्शन होने, तो अब भी वो वफाकी वजीर साहब जो हैं उन्होंने एक बाकायदा फहरिस्त बना कर दी है, वुडन फ्लोरिंग का मुतालबा किया है मिनिस्टर एनक्लेव के घर में। कितना अरसा और रहेंगे, जनवरी के एंड तक 4 महीने हो गए समझ लें, लेकिन ये बड़ा अहम बात है। और फिर दीगर वफाकी वज़रा भी हैं जिन्होंने अपने अपने घरों की रेनोवेशन के ऑर्डर दे रखे हैं, मुतालबात कर रखे हैं। नाज़रीन, ये बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट हमारे यहाँ रवैया है, और हम बात ये करते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। आगे हम कैसे ले जाएंगे? हम सख्त इकदाम कर रहे हैं, पेट्रोल 332 पर हमने पहुँचा दिया पर लीटर, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लेकिन हमारी जो अलले तलले हैं, ये जो ऐसे लोग वो जो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं और सियासतदानों की किरदार कुशी करते हैं, मैं बुनियादी तौर पर सियासतदानों की हिमायत इसलिए करता हूँ कि सियासतदान ने बिलाखिर अवाम में जाना होता है और अवाम ही उनका एहतसाब करते हैं, लेकिन अब क्या करें, निगरान हुकूमत है, अच्छे साफ सुथरे लोग बेशक हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग की हुकूमत है, नून लीग कहती है कि नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन। लेकिन अब चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो ये बयान था जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से, उसको पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों ने बहुत संजीदगी से लिया, और संजीदगी से लेने के साथ साथ उसको नेगेटिवली लिया गया है। मेरी इतला यह है कि मुस्लिम लीग नून को ये कन्वे कर दिया गया है कि भाई साहब आप जो है इस किस्म के मुतालबात से ज़रा गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि कई महाद एक साथ खड़े कर दिए जाए। एहतसाब अपनी जगह, एहतसाब के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं, और जब मौका आएगा तो सबका एहतसाब हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो मुख्तदर हल्के ये समझते हैं कि अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो इस वक्त एक रवादारी की भी ज़रूरत है, सियासी रवादारी की भी ज़रूरत है, और सिर्फ वो अनासिर जिन्होंने मुल्क की बुनियादों से खेलने की कोशिश की है उनके अलावा जो है वो बाकी मामलात को थोड़ा पेंडिंग कर लिया जाए और फिर दफ्तर रफ्ता इन तमाम चीज़ों को सेटल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये इतला है कि वो कोई पैगाम नहीं लेकर गए, मेरी इतला ये है, लेकिन वो फायर फाइटिंग के लिए गए हैं और अपने भाई को ये समझाने गए हैं कि ज़रा पंजाबी में कहते हैं ना हौला हाथ रखें, तो वो हल्का हाथ रखने की दरख्वास्त करने गए हैं। साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो करेगी हिकमत अमली तैयार करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो नवाज शरीफ साहब के आने के बाद किस तरह से सामना करना होगा हालात का, क्योंकि खाली जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ गुफ्तगू करने से तो मामला हल नहीं होंगे। लोगों को जवाब देना पड़ेगा पेट्रोलियम की कीमतों का, लोगों को जवाब देना पड़ेगा महंगाई का, तो अब देखते हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब के प्रोग्राम में भी कोई रद्दबदल हो जाए, अभी तक ये हतमी बात नहीं है, लेकिन अगले दिनों में जैसे ही इस हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है हम आपको इससे ज़रूर आगाह करेंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।